हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड है। सो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एमसीसी ने डेट्स जो है काउंसलिंग की वो अनाउंस कर दी हैं, सभी राउंड्स की, चाहे वो राउंड वन हो, राउंड टू हो, मॉप अप राउंड हो, इन सब की डेट्स अनाउंस कर दी हैं। अब कल से यानी कि 27 अक्टूबर से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो चालू होने वाला है फर्स्ट राउंड का। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या क्या रहेगा, उसमें काउंसलिंग में आपका किस किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है और फीस क्या रहेगी, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो से। सो सबसे पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट राउंड पे। सो राउंड वन जो रहेगा उसमें मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन रहेगी, जिसमें नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी आपको, प्लस रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करना होगा। अब इसमें क्या चीज़ है, दो अलग अलग तरह की फीस होती हैं आपकी। एक तो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी होती है जो आपको वापस नहीं मिलेगी, और एक आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि रिफंडेबल होता है। इनका अमाउंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो में लगातार बने रहना। जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको उसी अकाउंट में रिफंड किया जाएगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है। क्लियर है? तो इस राउंड में आपको क्या है, अपनी चॉइसेस भरनी है, उन चॉइसेस को लॉक करना है। उसकी डेट्स क्या है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, उसे देख लेना। इसके बाद आपको सीट अलॉट की जाएगी, उसका प्रोसीजर चलेगा राउंड वन का। फिर उसके बाद राउंड वन का जो रिजल्ट है वो एमसीसी की वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा, और जिन जिन बच्चों को कॉलेज मिला है उन्हें उस पर्टिकुलर मेडिकल या डेंटल कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। क्लियर है? ये हो गया हमारा राउंड वन खत्म। इसके बाद आएगा हमारा राउंड टू। राउंड टू में क्या होगा, जिन कैंडिडेट्स ने राउंड वन के लिए रजिस्टर किया है और उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं करी गई है, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है राउंड टू के लिए। आप ऑलरेडी एलिजिबल रहोगे, लेकिन बात यह है कि आपने राउंड वन में रजिस्टर किया हो और आपको कोई सीट नहीं मिली हो तभी। क्लियर है? अब फ्रेश नया रजिस्ट्रेशन किस किस को करना होगा राउंड टू के लिए। एक तो ऐसे बच्चों ने जिन्होंने राउंड वन में रजिस्टर ही नहीं किया है विद फुल पेमेंट ऑफ फीस, तो आपको राउंड वन में अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप राउंड टू में अलग से रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड वन में रिपोर्टिंग नहीं दी है या रिजाइन कर दिया है, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है एमसीसी की वेबसाइट पे, दोज हु हैव रिजाइंड और नॉट रिपोर्टेड इन राउंड वन नीड नॉट रजिस्टर अगेन। फिर क्या होगा, इसमें आपको दोबारा से जो है फ्रेश चॉइस फिल करनी होगी राउंड टू के लिए। अगर आप रजिस्टर कर रहे हो या आप राउंड वन में ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो भी आप राउंड टू में हिस्सा ले सकते हो। फिर वही होगा, एमसीसी की वेबसाइट पर राउंड टू का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा और आपको अपने रेस्पेक्टिव मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में रिपोर्टिंग करनी होगी। क्लियर है? अब राउंड टू खत्म होने के बाद जो 15% AIQ सीट्स हैं हमारी वो खत्म हो जाएंगी, और अगर कोई भी इसमें सीट बचती है जो बच्चों ने ज्वाइन नहीं की है या अलॉट नहीं की गई है, वो स्टेट कोटा में या इंस्टीट्यूशनल कोटा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल इंस्टीट्यूट का, उसमें चली जाएंगी। मतलब कि आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है वो राउंड टू के साथ खत्म हो जाएगी। फिर जो भी 15% सीट्स बचती हैं वो आपके स्टेट कोटा में चली जाएंगी, जो कि फिर आप रेस्पेक्टिव स्टेट की साइट्स पे, वेबसाइट्स पे विजिट करके काउंसलिंग कर सकते हैं। क्लियर है? अब आता है हमारा तीसरा राउंड जो कि है मॉप अप राउंड। अब ये मॉप अप राउंड जो है वो सिर्फ डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ESIC के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, और एम्स और जिपमर, इनके लिए है। ये बात ध्यान रखनी है कि मॉप अप राउंड जो है वो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। अब इसमें क्या होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी मॉप अप राउंड के लिए। अब ये किन कैंडिडेट्स को करना होगा, जिन्होंने राउंड वन में रजिस्टर किया है और उन्होंने फ्री एग्जिट का फायदा उठाया है, या दूसरे ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड टू में रजिस्टर किया है और फीस के फॉर फीचर के साथ, यानी कि फीस उन्होंने जमा कराई और फीस उनकी रख ली गई और उसके साथ उन्होंने एग्जिट किया है, वो दोबारा से रजिस्टर कर सकते हैं फीस के पेमेंट के साथ। तो मॉप अप राउंड में आपको फीस जो है वो पे करनी होगी दोबारा से। हाउएवर, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी जॉइंड एंड टेकन एडमिशन इन राउंड टू ऑफ AIQ और डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एम्स और जिपमर विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। तो जिन कैंडिडेट्स ने राउंड टू में एडमिशन ले लिया है, मतलब कि राउंड टू में उनको कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्होंने एडमिशन ले लिया है, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं मॉप अप राउंड में। क्लियर है?
दूसरी बात, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और उनको राउंड वन और राउंड टू में सीट अलॉट नहीं हुई, उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एलिजिबल रहेंगे मॉपअप राउंड। अब यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, चॉइस फिल करनी होगी आपको, फिर रिजल्ट जो है वो पब्लिश होगा एमसीसी की वेबसाइट पे, और आपको जो भी कॉलेज मिलता है वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी हो। क्लियर है, सब चीज़ें ध्यान रखना, कौन बच्चा जो है मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये सब चीज़ें। नाउ लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ स्ट्रे वैकेंसीज टू बी सेंट टू डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एम्स और जिपमर टू बी एग्जॉस्टेड स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। अब स्ट्रे वैकेंसीज जितनी होंगी, जैसे सपोज करो मॉपअप राउंड के बाद भी कुछ कॉलेजेस में सीट्स बच गई, तो जैसे 10 सीट्स बच गई टोटल सभी कॉलेजेस में मिला के, तो जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे उसमें 100 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो भेजी जाएगी, मतलब जितनी सीट्स हैं उससे 10 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो भेजी जाएगी डीम्ड या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, एम्स को और जिपमर को, और फिर मेरिट के हिसाब से बोला जाएगा कि आप अपनी वैकेंसीज़ फिल कर लो। क्लियर है, अब आते हैं हमारे लास्ट राउंड पे जो कि है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो एमसीसी कंडक्ट नहीं करवाएगा। जिस भी डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स या जिपमर में अगर कोई सीट बच गई है तो वो लोग अपना अपना जो है एड वो पेपर में दे देंगे या अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे कि हमारे यहाँ पे ये सीट खाली है, तो आप लोग हमारे यहाँ पे आके काउंसलिंग करो और सीट जो है वो ले लो। कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा कैंडिडेट्स का इस राउंड के लिए, ऑलरेडी आप लोग रजिस्टर करा चुके होंगे तो आप लोग एलिजिबल रहोगे बिना रजिस्ट्रेशन के इस राउंड के। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि ये राउंड जो है वो डीम्ड या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स और जिपमर इनके लिए ही होगा, और अगर इनमें कोई सीट बच जाती है तो ये लोग इंडिविजुअल अपनी वेबसाइट्स पे वो इन्फॉर्मेशन पब्लिश करें। क्लियर हो गई ये चीज़ किस तरीके से आपको पार्ट लेना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे, वो क्या चीज़ें हैं। पहली बात तो जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपने नीट का फॉर्म भरते वक्त सबमिट करवाया था, वही ईमेल और मोबाइल नंबर आप एमसीसी के पोर्टल पे भी सबमिट करोगे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के दौरान, वही वाला। देन ऑल द इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन विल बी सेंट बाय एमसीसी ऑफ डीजीएचएस MOHFW थ्रू ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और SMS ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओनली। तो जो भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन एमसीसी आपको देना चाहती है तो वो आपको या तो उस ईमेल के थ्रू देगी या फिर उस मोबाइल नंबर पे एसएमएस भेज के, कभी भी वो लोग आपको कॉल नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रख। देन एनी कंप्लेंट विद रिगार्ड टू द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस शैल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय एमसीसी। और अगर आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज किया या ईमेल एड्रेस चेंज किया तो वो लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, वो एसएमएस और मेल उसी एड्रेस पे जाएगा, इसीलिए सेम ईमेल और सेम मोबाइल नंबर ही यूज में रखना। देन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज लैपटॉप और कंप्यूटर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग प्रोसेस टू अवॉइड एनी टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस। और रजिस्ट्रेशन करते वक्त, चॉइस फिलिंग करते वक्त आप लोग मोबाइल यूज करने की बजाय लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करना, जिससे इजी रहेगा आप लोगों को ही और कोई भी टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन जो है वो अवॉइड हो जाए। क्लियर है ये चीज़। अब देखो ये सब चीज़ हो गई हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, अब बात करते हैं कि आप लोगों की फ़ीस क्या लगने वाली है। सो देखो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे स्टूडेंट्स को दो तरीके की फ़ीस देनी होगी। तो सबसे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हमारी, तो उसमें आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि आपको दोबारा नहीं मिलेगी, वो होगी 5,000 रुपये। और ये सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम है, चाहे आप जनरल कैटेगरी में आते हो, चाहे आप SC में आते हो, चाहे आप ST में आते हो, चाहे आप OBC में आते हो, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपकी जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो लगेगी 5,000 रुपये। इसके अलावा एक और फ़ी आपको जमा करानी होगी ऑनलाइन, जो कि रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट होगा। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये अमाउंट थोड़ा बड़ा है, 2,00,000 रुपये का। सो कोई भी कैंडिडेट अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्ट कर रहा है तो उसे 5,000 रुपये नॉन रिफंडेबल फ़ी प्लस 2,00,000 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो जमा कराना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। यानी कि 2,05,000 रुपये आपके टोटल लगेंगे, जिसमें से अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ या आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो ये आपके 2,00,000 रुपए जो हैं वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये रिफंडेबल है। क्लियर है। अब अगर हम बात करें हमारे 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स की या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, दैट
जैसे कि DU, AMU, BHU, AFMS, ESI, इन सब की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी होगा वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए होगा 1,000 रुपये, और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, PH है, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स, उनके लिए 500 रुपये। तो ये नॉन रिफंडेबल रहेगी, मतलब आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपके 1,000 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो, और अगर आप दूसरी कैटेगरीज को बिलोंग कर रहे हो तो आपके 500 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। इसके अलावा जो रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10,000 रुपये रहेगी, और जो SC, ST, OBC और PH कैटेगरी में आते हैं उनके लिए रहेगी 5,000 रुपये। यानी कि अगर कोई भी जनरल कैंडिडेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ऑप्ट कर रहा है तो उसे टोटल 1,000 प्लस 10,000 रुपये देने होंगे, यानी कि 11,000 रुपये लगेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपके 10,000 रुपये वापस आ जाएंगे। इसके अलावा अगर SC, ST, OBC और PH कैंडिडेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनके लगेंगे 500 प्लस 5,000, यानी कि 5,500 रुपये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और अगर आप लोगों का एडमिशन नहीं हुआ, आपको सीट नहीं मिली, तो ये 5,000 रुपये आपके वापस आ जाए। क्लियर है? इसके अलावा जो कैंडिडेट्स NRI कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उन्हें उस पर्टिकुलर कॉलेज में जो मोड ऑफ पेमेंट है वो देख के अप्लाई करना होगा, ठीक है, कि वहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट क्या है, उस हिसाब से आप लोगों को अप्लाई करना। क्लियर हो गई ये चीज़? तो एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आप लोग डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप लोगों के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 2,05,000 रुपये लगेंगे। वहीं अगर आप AIQ सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके लगेंगे 11,000 रुपये, और अगर आप SC, ST, OBC और PH कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके लगेंगे 5,500 रुपये, आधे रुपये। क्लियर हो गई ये चीज़? सो गाइज, अगर इस चीज़ में कोई भी आप लोगों को डाउट आता है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगी। ओके, इसके अलावा आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पे आके भी आप अपनी करियर रिलेटेड एडवाइस ले सकते हो मुझसे, आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई करने में तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो गाइज, लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा या अपलोड होगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye-bye.